हे गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो आदाब। हाउ टू कलेक्ट होलोवे टिकट टू बाई योर फेवरेट पोकेमोन्स आउटफिट। तो भाई, इसके लिए तुम्हें ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का अप्लाई करना पड़ेगा, जो इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। और भाई, इसके लिए भी एक मस्त सा नया ट्रिक है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, मेरे पास 92 है हॉलोवे टिकट्स, और फैशन टिकट्स देखो 238 है। तो भाई, ये फैशन टिकट्स तो हम लोग को इजीली मिल जाते हैं, डुप्लीकेट आइटम्स से हम लोग को ये ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि यार कौन से पोकेमोन्स को भाई बाई करूँ। मैं चाहूँ ना यार, तो यहाँ पे जितने पोकेमोन्स के आउटफिट दिख रहे हैं सारे के सारे बाई कर लूँगा, फिर भी बच जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक पोकेमोन का चाहिए जो कि एपिक है, जो कि टैलन फ्लेम, और मेरा ये फेवरेट पोकेमोन है, इसी से मैं मास्टर वगैरह में जाता हूँ अक्सर। तो ये रहा। तो भाई, ये तो मुझे मिल सकता है यहाँ क्रेडिट से भी, लेकिन जब से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, मुझे ना दो बार ये क्रिस्टल का मिल चुका है, दो बार। और भाई, ये फर्स्ट वाला ट्रिक जो कि तुम्हें हॉलोवेयर टिकट्स दे सकता है, वो यही है। हॉलोवेयर का आउटफिट अगर तुम्हें दो बार मिलता है, तुम्हें 60 हॉलोवेयर टिकट्स मिलते हैं। कितना? 60। पहले जितने भी होंगे तुम्हारे वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 60 के 60 मिल जाएंगे तुम्हें अगर डुप्लीकेट्स मिलते हैं आउटफिट। अगर तुम्हारे पास कोई भी पोकेमोन है, लाइक स्नोलैक्स का है, तो और एक स्नोलैक्स का मिल गया आउटफिट, तो तुम्हें 60 टिकट्स मिलने वाले। इसी तरह से क्रिस्टल के साथ भी हुआ है। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि दूसरा ट्रिक जो है वो है यहाँ पे। अच्छा, ट्रिक मैं बता दूंगा, ये टिप है, मतलब ये हॉलोवे टिकट यहाँ कैसे निकाले वो बता दूंगा मैं। तो भाई, जब तुम अपने सारे के सारे रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लोगे बैटल पास को कंप्लीट करने के बाद, तो जाके तुम्हें ये मिलना स्टार्ट होते हैं। तो भाई, वहाँ पे टैप टैप कर लिया करो, मतलब वो हॉलोवेयर पे ना 2-3 सेकंड के लिए टैप करके रखो ना, उसके बाद देखना वो आ जाते हैं। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, 10-20 मुझे मिल जाता है, लेकिन 20% चांसेस है वहीं से मिलने के, लेकिन जब वो टैप करके रखोगे तब 30-40 हो जाते हैं, मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा ओपिनियन है। तुम लोग इस पर ट्राई करके देखो, ठीक है। अच्छा भाई, मुझे तो बाय करना है टैलन फ्लेम का आउटफिट, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिएट में मुझे ये मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। तो भाई, इसके लिए तुमको एक फ्रेम मिल जाएगा, ऊपर से तुम्हें आउटफिट तो मिलता ही है। तो अब वीडियो बना रहा हूँ, क्या किसी को शेयर करो यार। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी है उतने कुछ खास लगते नहीं है, इन सब पोकेमोन को मैं यूज़ करता वीडियो, टैलन फ्लेम को यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। तो मैं अब देखना चाहूँगा यार कि उसका वो इफेक्ट कैसा होता है। ठीक है, अक्सर लोगों ने देखा ही होगा, मतलब इतना दिनों में तो सभी लोगों ने देख लिया होगा, सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, जिन लोगों ने भाई ये मतलब जिसके लोग साथ में खेलते होंगे वही लोगों ने देखा होगा। अरे ठीक है यार, देख लो ना, अभी क्या जाता तुम लोगों का, थोड़ा सा व्यूज़ मिल जाएगा मेरे को। तो ये रहा, ये तो सबसे बेस्ट लगता मेरे को, क्या बात है। तो इसे मैं प्रैक्टिस मोड में जाकर देखता हूँ कि पहले तो यार फेवरेट कर लूँ, लेकिन भाई इस पोकेमोन गेम से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिक्कत इस बात का है कि भाई देखो, हम लोग तो भाई जैसे तैसे करके यहाँ पे बैटल पास तो बाई कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं वो लोग अगर बैटल पास बाई करना चाहेंगे तो क्या हर एक सीज़न उन लोगों को बाई करना पड़ेगा? भाई ये बहुत बुरा लगा मेरे को, मुझे लगा था कि पबजी की तरह एक बार बैटल पास बाई कर लो, उसके बाद मिशन कम्प्लीट करके अपने सारे रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट करते रहो, लेकिन इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बुरा लगा मुझे। तो ठीक है, जल्दी से मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, तो बड़ा मतलब आई मीन इसे इवोल्यूशन कर लेता हूँ इसका, ताकि इसको मैं यूज़ करूँ, इफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेवल 15 कर लिया मैंने, पहले ये सब कलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे मैं नहीं करने वाला था, दूर जाता हूँ, और जो भी मेरा ओपोनेंट है उसको पिटाई उटाई करके करता हूँ, तारा मज़ा आएगा। तो इसका मतलब मुझे हमेशा से एक आउटफिट वाला पोकेमोन चाहिए था जिसका यार मतलब स्टार्टिंग एवोल्यूशन से ही उसके पास आउटफिट हो, जैसे कि इसका पास रहता है जब फ्लिचेंडर रहता है ये, तब इसके पास रहता है वो चश्मा वगैरह वाला, वो असम लगता है। तो ये अब भाई मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जब किसी के पास आउटफिट रहता है तो उसके पास डैमेज भी ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी सोच है। ठीक है भाई, सामने में मेरा ये ओपोनेंट दिख रहा है मेरे को, वहाँ जा रहा हूँ मैं, और इफेक्ट एक बार देख लेता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने खुद से नहीं ट्राई किया, देखा हुआ है सभी लोगों का, लेकिन खुद से ट्राई नहीं किया हुआ, तो इससे पहले मार लेता हूँ। अरे यार बच कैसे गया, रुक जा बताता हूँ मैं तुझे, ये बूम, अरे फिर बच गया, अब मुझे ख़त्म। अरे भाई मैं ऐसे ना माना चाहता हूँ, ओनली यूनाइट मूव से, लेकिन मर ही नहीं रहा। ठीक है, अब अपना सब्र का बांध मैं ख़त्म करता हूँ और देख लेता हूँ ये इफेक्ट कैसा है, जाने दो बाद में मारूंगा ओपोनेंट को। ओ भाई क्या बात है, मतलब ये घूम ही कर, ओह मुझे लगा था थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है इसका इफेक्ट, यार एक और मैं ट्राई करूँ क्या, रुको करता हूँ। डूड लाइक गेंगार का जिस तरह है ना रॉकेट आता है, उसके बाद उस पर उड़ के आता है ये अपने बेस में, वैसा कुछ नहीं है। मुझे लगा था कि कोई एरोप्लेन वगैरह आएगा उसके पे बैठ के जाऊँगा मैं, और ये बहुत ऑसम होता,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी कुछ खास मतलब ज़्यादा बर्बाद भी नहीं है, आई मीन बर्बाद बोल रहा हूँ मतलब अच्छा नहीं है, अभी यार क्या बोल रहा हूँ मतलब अच्छा है, मैं उठ भाई बोलने में तो दिक्कत हो गया यार, तुम लोग अब उसको माइंड मत करना। तो देखिए तुम लोगों ने भाई कैसे लगे, तुम लोग ये वीडियो ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो शुक्रिया, थैंक यू।